डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल। वी आर वर्किंग फ्रॉम आवर होम, दैट्स व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग यू ऑनलाइन क्लासेस। टुडे थ्रू ऑनलाइन क्लासेस वी विल डिस्कस इन साइंस ऑफ क्लास 6 चैप्टर 9 फॉर्म एंड मूवमेंट इन एनिमल्स। सो ऑल स्टूडेंट्स ओपन पेज नंबर 111। फॉर्म एंड मूवमेंट इन एनिमल्स, एनिमल्स में आकृति और गति। चूज द करेक्ट बॉडी पार्ट फ्रॉम द बॉक्स बिलो विच हेल्प ईच ऑफ दीज एनिमल्स टू मूव। यहाँ पे एक नीचे दिए गए बॉक्स में से सही बॉडी पार्ट को चूज करें जिससे इन प्रत्येक एनिमल्स को मूव करने में हेल्प मिलती है। यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, उसमें बॉडी के पार्ट दिए हुए हैं और ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो ये एनिमल्स हैं ये इनमें से किस बॉडी पार्ट का यूज़ करते हैं मूव करने के लिए, गति करने के लिए। ये आंट आंट किसका यूज़ करती है? लेग्स का यूज़ करती है मूव करने के लिए। पैरट ये विंग्स का और लेग्स का यूज़ करता है मूव करने के लिए। अर्थवर्म ये अपनी होल बॉडी का यूज़ करता है मूव करने के लिए। और फिश अपने फिन्स का यूज़ करती है मूव करने के लिए। एनिमल्स शो मूवमेंट इन मैनी वेज, एनिमल्स कई तरीके से मूवमेंट शो करते हैं। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल डायरेक्टली कोरेस्पोंड टू द वे इन विच इट मूव्स। एक एनिमल्स की बॉडी स्ट्रक्चर डायरेक्टली उस तरीके के समान होती है जिससे वह मूव करता है। लेट अस लर्न अबाउट मूवमेंट इन डिफरेंट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। आइए हम ह्यूमन बींग्स सहित डिफरेंट एनिमल्स के मूवमेंट के बारे में जानें। कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट, मूवमेंट इन एनिमल्स। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल डिटरमाइन द काइंड ऑफ मूवमेंट इन एग्जिबिट। एक एनिमल को बॉडी, एक एनिमल की बॉडी स्ट्रक्चर इस बात को डिटरमाइन करती है, मींस निर्धारित करती है, तय करती है कि वह किस तरह की मूवमेंट करता है। वी नो दैट आवर बैकबोन हेल्प अस स्टैंड अपराइट एंड इनेबल्स अस टू मूव। हम जानते हैं कि हमारी बैकबोन मींस रीढ़ की हड्डी हमें सीधे खड़े होने में हेल्प करती है और हमें आगे बढ़ने के योग्य बनाती है, इनेबल्स बनाती है। बेस ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द बैकबोन वर्टेब्रल कॉलम एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। बैकबोन के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट, वर्टिब्रेट्स, कशेरुकी। एनिमल्स दैट हैव ए बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। जिन एनिमल्स की बैकबोन होती है उन्हें वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल्स, फिश, फ्रॉग, लिजर्ड, हॉर्स एंड बर्ड्स, ये सभी वर्टिब्रेट्स के एग्जांपल्स हैं। इनवर्टिब्रेट्स, एनिमल्स दैट डू नॉट हैव ए बैकबोन आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स। जिन एनिमल्स की बैकबोन नहीं होती है उन्हें इनवर्टिब्रेट्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल्स, अर्थवर्म, स्नेल एंड कॉकरोच, ये सभी एग्जांपल्स हैं इनवर्टिब्रेट्स के। द मूवमेंट ऑफ वर्टिब्रेट्स इज डिफरेंट फ्रॉम दैट्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स का मूवमेंट इनवर्टिब्रेट्स के मूवमेंट से डिफरेंट होता है। लेट अस लर्न अबाउट द मूवमेंट ऑफ सम एनिमल्स टू अंडरस्टैंड वेरियस काइंड्स ऑफ लोकोमोशन। आइए हम डिफरेंट टाइप्स के लोकोमोशन को समझने के लिए कुछ एनिमल्स के मूवमेंट के बारे में जानें। लोकोमोशन, लोकोमोशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने की जो एबिलिटी होती है वही लोकोमोशन कहलाती है। नेक्स्ट, मूवमेंट इन अर्थवर्म। अर्थवर्म मीन्स जो कैचुआ होता है, कैचुए में मूवमेंट, गति। एन अर्थवर्म्स इज एन इनवर्टिब्रेट।
अर्थवर्म एक इनवर्टिब्रेट्स है, मीन्स उसके पास कोई भी बैकबोन नहीं होती। इट हैज़ ए लॉन्ग ट्यूब लाइक बॉडी, इसकी एक लॉन्ग ट्यूब जैसी बॉडी होती है। इट हैज़ नो बोन्स, जिसमें कोई बोन्स नहीं होती। इट्स बॉडी शेप इज मेंटेन बाय द फ्लूड प्रेजेंट इनसाइड द इट्स बॉडी, इसकी बॉडी की शेप इसके बॉडी के अंदर प्रेजेंट फ्लूड से मेंटेन रहती है। एन अर्थवर्म्स बॉडी इज मेड अप ऑफ सेवरल पार्ट्स कॉल्ड सेगमेंट। अर्थवर्म की बॉडी कई पार्ट से बनी होती हैं, जिन्हें सेगमेंट कहा जाता है, मीन्स खंड कहा जाता है, टुकड़े कहा जाता है। इट मूव्स बाय लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग दीज सेगमेंट्स, ये सेगमेंट्स को लेंथनिंग और शॉर्टनिंग करके मूव करता है, मीन्स सेगमेंट को लंबा और छोटा करके चलता है। द अर्थवर्म एक्सटेंड्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कीपिंग द रियर एंड फिक्स टू द ग्राउंड। अर्थवर्म बॉडी के फ्रंट पार्ट को, मीन्स सामने के हिस्से को फैलाता है और पीछे के सिर का जो हिस्सा होता है उसको ग्राउंड से फिक्स करके रखता है। मीन्स जो उसका ये सामने का जो फ्रंट पार्ट होता है उसको वो फैलाता है, लेंथनिंग करता है, और जो पीछे के जो सिरे का जो पार्ट होता है उसको वो ग्राउंड से फिक्स कर देता है, उसको वहीं पे वो रोके रखता है। देन इट फिक्स द फ्रंट पार्ट एंड पुल्स द रियर एंड, फिर यह फ्रंट पार्ट को फिक्स करता है और पीछे के पार्ट को पुल करता है, मीन्स खींचता है। फिर क्या करता है, जो फ्रंट पार्ट है इसको ये फिक्स कर लेता है और जो पीछे का जो पार्ट है उसको शॉर्टनिंग करना स्टार्ट करता है, उसको खींचना स्टार्ट कर देता है, पुल करना स्टार्ट कर देता है। इट्स मूवमेंट कैन बी कंपेयर्ड विद दैट ऑफ ए स्प्रिंग, इसके मूवमेंट की तुलना एक स्प्रिंग के साथ की जा सकती है, जो स्प्रिंग सेगमेंट के बना होता है, सेगमेंट मीन्स खंडों से बना हुआ होता है। इट्स बॉडी सेक्रेट्स ए स्लिमी सब्सटेंस टू हेल्प इन द मूवमेंट, इसकी बॉडी एक स्लिमी सब्सटेंस को, मीन्स एक पतले से लिक्विड को बाहर निकालती है जो मूवमेंट में हेल्प करता है। द सेगमेंट ऑल्सो हैव टाइनी हेयर लाइक ब्रिसल्स दैट हेल्प द अर्थवर्म टू ग्रिप द सरफेस एंड पुल इट्स बॉडी फॉरवर्ड, इसकी बॉडी सॉरी सेगमेंट में टाइनी हेयर लाइक ब्रिसल्स होते हैं, मीन्स छोटे बाल होते हैं, जो अर्थवर्म को सरफेस पर ग्रिप बनाने में और उसकी बॉडी को आगे खींचने में हेल्प करता है।